नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि मैसनिंग लिस्ट में मामला नहीं है। याचिका में बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जाँच के लिए SIT के गठन की मांग की गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब BJP के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरिंदर ने कहा कि वो करीब 3 महीने बाद PM मोदी से मिले। इस दौरान उन्होंने करीब आधे घंटे तक PM मोदी से कई मुद्दों पर चर्चा की। बिहार में जहरीली शराब से छपरा जिले में कई लोगों की जान को लेकर बिहार के सदन में संग्राम शुरू हो गया है। राज्य के राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले पार्टी भाजपा द्वारा इस घटना को लेकर CM से माफी और मुआवजा की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। iPhone 14 के क्रैश डिटेक्शन फीचर की मदद से पहाड़ से 300 फीट नीचे गिरने के बाद पति पत्नी को मौत के मुंह से बाहर निकाला गया है। इस फीचर का काम क्रैश डिटेक्ट करना है। थोड़ी सी भनक होने पर ये फीचर अपना काम करते हुए इमरजेंसी नंबर से कांटेक्ट करने के साथ मदद के लिए बुलाता है। छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर विरोधी दल BJP से लेकर सहयोगी पार्टी भी नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने भी सरकार से एक मांग कर दी है। उन्होंने भी वह बात दोहराई है जो BJP ने कहा था। तवांग में चीनी सेना के साथ हुई झड़प पर पहली बार सेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा कि तवांग में हालात नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। भारतीय सेना ने चीनी सेना की इस हरकत का विरोध किया। इस विरोध के दौरान झड़प हुई और दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में BJP विधायकों ने जमकर शोर शोरबा किया। BJP नीतीश के इस्तीफे पर अड़ी हुई है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। BJP विधायकों ने नीतीश सरकार के विरोध में राज्य भवन तक मार्च निकाला और नारेबाजी की। BJP विधायक राज्यपाल से मिलकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। भारत में कोरोना संकट अब खत्म होने की कगार पर है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 162 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 446 करोड़ पर पहुंच गई, जबकि इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या घटकर 3691 रह गई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी शराब से हुई मौतों को लेकर जोरदार हंगामा जारी है। इस दौरान DC तेजस्वी यादव के सदन में बोलते ही विपक्षी विधायकों ने बिहार विधानसभा में कुर्सियां पटक कर हंगामा किया, जिसके कारण 7 मिनट में सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल UNSC की बैठक में हिस्सा लेने गए भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर ने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर तंज कसा था। अब बिलावल ने इसका जवाब दिया। बिलावल ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और बढ़ जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के मद्देनजर अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। 2021 और 2022 की अवधि के बीच देश में पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था, लेकिन इसके बाद से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। हालांकि अभी तक करीब एक सप्ताह से ज्यादा होने के बाद भी चर्चा शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर सवाल बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सपा में शिवपाल यादव की पार्टी का विलय होने के बाद उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा थी। उन्हें यूपी में सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर चली हुई है। साथ ही यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव को दिए जाने की चर्चा चली है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने भी एक ऐसी ही बात कही है। एक पॉडकास्ट के दौरान सईद अजमल ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब 2008 में मैं आया तो पहला मैच इंडिया के खिलाफ था। डेब्यू से पहले मुझे कहा गया कि ये मेरा पहला और आखिरी मैच है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी परीक्षा यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीयूईटी 2023 की परीक्षा 21 मई से 31 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निर्धारित तिथियों के साथ साथ सीयूईटी 2023 परीक्षाओं के लिए 1 जून से 7 जून 2023 तक तारीखें रिजर्व की हैं। हर वर्ष 16 दिसंबर को भारत की पाकिस्तान पर जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के पराक्रम के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी के साथ बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। आज बांग्लादेश के उदय का 51 साल पूरे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने अपने दामाद अनुराग भदौरिया द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगी है। एक वायरल वीडियो में सुशीला सरोज ने मुख्यमंत्री से भदौरिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई रोकने की अपील की है, जिन्होंने पिछले महीने एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट में मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। जब से एलन मस्क ने ट्विटर के टेक ओवर किया है, तब से ट्विटर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कई मीडिया संस्थान इसे कवर कर रहे हैं, लेकिन शायद एलन मस्क को यह पसंद नहीं आया। दरअसल खबर सामने आई है कि ट्विटर ने गुरुवार को उन पत्रकारों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और उसके नए मालिक एलन मस्क को कवर कर रहे थे। हिंदी सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में छा गई है। इस फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग जब से रिलीज हुआ है, तब से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण आलोचकों के निशाने पर है। पठान फिल्म को लेकर विवाद उस वक्त उठा जब बेशर्म रंग गाना रिलीज हुआ। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी थी। दीपिका की भगवा रंग की ड्रेस की वजह से लोग नाराज हो गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अब भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दे को उजागर किया है। राहुल वेणुगोपाल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को यहाँ मीना उच्च न्यायालय से यात्रा के सुबह के चरण की शुरुआत की। ईरान के अफसीन इस्माइल दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने उनकी लंबाई नापी है। अफसीन की लंबाई 65.24 सेंटीमीटर है। अफसीन इस्माइल खादिर जादे की उम्र 20 साल है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के लिए उन्हें दुबई लाया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों के मुताबिक वह पिछले रिकॉर्ड वाले इंसान से 7 सेंटीमीटर यानी कि 2.7 इंच छोटे हैं। देश में फर्जी मतदाता सूची गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया जारी है। करीब 54 करोड़ मतदाताओं ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराया है। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने इसे लेकर जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि 54 करोड़ से अधिक वोटर्स ने आधार विवरण को मतदाता सूची से जोड़ने का विकल्प चुना है। भारत ने 5000 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों के साथ परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण ने साबित किया है कि जुड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। भारत के स्टार जेवेलियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए साल 2022 बेहद खास रहा। उन्होंने इस साल कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। यही कारण है कि वह ऐसे एथलीट बन गए हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स हर साल उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करता है जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया हो। लिस्ट के मुताबिक पहले स्थान पर मौजूद नीरज चोपड़ा पर 812 आर्टिकल लिखे गए हैं। कोलम की व्यस्त जीवन शैली से अछूता मनुरुत्रलु केरल का एक ऐसा द्वीप है जहां पर्यटक नौकाओं में बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन उनके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि इस द्वीप पर रहने वाले सैकड़ों स्थानीय लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अष्टमुड़ी झील में कल्लारा नदी के विलय स्थान पर स्थित यह द्वीप 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद से असाधारण ऊंची लहरों के कारण जीवन के लिए खतरनाक हो गया है। तमिलनाडु आइडल विंग के डीजीपी जयंत मुरली ने चोरी हुई 500 साल पुरानी मूर्ति की फ्रांस में नीलामी को रोक दिया। एलिट आइडल विंग ने पाया कि ऑक्शन हाउस ने मूर्ति को 2 लाख यूरो से 3 लाख यूरो के प्राइस बैंड में नीलामी के लिए रखा था। उन्होंने ट्वीट किया, नीलामी बंद करो, इसे हमें लौटा, यह भारत के तमिलनाडु से चुराई गई है। जयंत मुरली ने एंटीक्विटीज कोएलिशन को भी टैग किया जो कल्चर रैक्टियरिंग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाता है। पुलिस द्वारा राज्य सरकार को सूचित करने के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को संदेश भेजा गया जिसने पेरिस में भारतीय दूतावास के माध्यम से फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया।
रेलवे स्टेशन पर हमेशा आपको लिखा दिखा होगा, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी बने। गंदगी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बोर्ड को देखने के बाद भी कई लोग स्टेशन को गंदा करने, कूड़ा फैलाने से बाज नहीं आते हैं। अब इस पर रेलवे ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है और 6,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ रेलवे ने सख्त एक्शन लिया है। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा ने एक भारतीय कंपनी साइबर रूट रिस्क एडवाइजरी द्वारा संचालित 40 से अधिक खातों को बंद कर दिया है। यह कंपनी कथित रूप से हैकिंग फॉर हायर सेवाओं में शामिल है। मेटा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही मेटा ने चीन से एक अज्ञात यूनिट द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलाए जा रहे करीब 900 फर्जी खातों के नेटवर्क को भी हटा दिया है। वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल के साथ साथ डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर को घटा दिया है। 15 दिसंबर के आदेश में कहा गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर लेवी को 4,900 रुपए प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। बता दें कि जमीन से पंप किए गए कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है और पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जैसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि भारत 2025 के आखिर तक क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की तरफ से इस बीमारी के खिलाफ जिस स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों के इसमें जिस तरह की भागीदारी हुई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश 2025 के अंत तक क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच का 3 दिन का खेल हो गया है। चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 258 रन पर घोषित की। इस तरह बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रन का लक्ष्य मिला है। इसके जवाब में बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय तक 12 ओवर में बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए थे। नजमुल हुसैन सांतो 42 गेंद में 25 और जाकिर हसन 30 गेंद में 17 रन बनाकर नाबाद थे। बांग्लादेश को जीत के लिए अभी 471 रन और बनाने हैं, जबकि भारत को 10 विकेट चटकाने हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।